हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सभी का एक बार फिर से स्वागत है अन एकेडमी के एसएससी जेईई यूट्यूब चैनल पे। अन एकेडमी, लेट्स क्रैक इट, अनमास द इग्नोरेंस, लेट्स मास्क अप टुगेदर। तो गाइस, अपना भी ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें, और जहां भी रहें मस्त रहें, आबाद रहें और जिंदा बन रहें। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? वॉइस इज क्लियर फॉर ऑल? एक बार वॉइस वगैरह का बता दीजिए जो लोग भी देख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे पता चल जाए। तो फिर अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, जल्दी से, चलो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही है कि वॉइस वगैरह क्लियर नहीं आ रही। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, दीपक कह रहा है ओके फाइन है, चलो बढ़िया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस स्पेशल सेशन फॉर आरएसएम एसएसबी। चल रहा था जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के, जिसके अंदर हम तीन सेट कर चुके थे और आज लेक्चर नंबर तीन लेक्चर्स कर चुके थे। लेक्चर नंबर फोर अभी अपन कर रहे हैं। ओके, और एज यूजल आपको पता है अपना प्लस कोर्सेस बहुत जल्दी एडवांस सर्वे का स्टार्ट होने वाला है, और अपने अन अकेडमी पे स्पेशल क्लासेस एज यूजल चली रही है। दोपहर 12:30 12:30 पे 12:30 पे हमारी आरएसएम एसएसबी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है एज यूजल कंटिन्यू, आपको पता है, उस पर भी ज्वाइन कीजिए। और ये सब देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अन अकेडमी की लर्नर ऐप को डाउनलोड करें, फिर उसे इंस्टॉल करने, इंस्टॉल करने के बाद में आपको करना है लॉग इन विद द हेल्प ऑफ दी ईमेल एड्रेस और फोन नंबर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। देन सिलेक्ट योर गोल लाइक एसएससी, ईएससी, गेट, एई और जेई, स्टेट जेई और जेई के लिए भी न्यू कैटेगरी लॉन्च हो चुकी है, उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। देन गेट सब्सक्रिप्शन की तरफ बढ़े, सब्सक्रिप्शन में आप 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आप देव इन 10 यूज करते हो तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। तो डोंट फॉरगेट टू यूज देव इन 10 to get 10% additional off on your next An Academy Plus subscription, then proceed to payment by using the any mode of the payment. Why An Academy is the best platform? Because of the, यहाँ पे आपको क्या 30 plus batches every week मिलते हैं, 40,000 plus recorded content मिलता है, 300 plus classes, 20,000 plus practice questions, 70 plus educator और 90% student trust, the most important thing. टॉप एजुकेटर के साथ में हमारे टॉप बैचेस स्टार्ट होने जाने हैं फ्रॉम द 11th ऑफ द अगस्त 2021 से, जिसमें टीम फिनोनिक्स की तरफ से एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 21-22 एग्जाम्स के लिए स्टार्ट हो रहा है 11th ऑफ द अगस्त से, जिसमें आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग फुल कोर्स सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। क्लासेस आपकी हिंदी में रहेंगे, नोट्स और आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएंगे। इन बैचेस में 400 के आसपास के आवर कंज्यूम किए जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ द बैचेस अगर बात करें तो 9 मंथ रहेंगे, अनलिमिटेड टू एसेस ऑफ द टेस्ट, वीकली क्विज और मॉक टेस्ट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस इन बैचेस में आपके रहेंगे। सिटी ब्रह्मास्त्रा बैच की तरफ से भी 11th ऑफ द अगस्त से 2021 के लिए स्टार्ट हो रहा है, ये बैच आपके ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। सफलता बैच फॉर द एसएससी सीजीएल एंड सीएचएस 2021 के लिए भी अपना 11th ऑफ अगस्त से 21 का स्टार्ट हो रहा है। इन बैचेस की ड्यूरेशंस क्या रहेगी, फुल ईयर के आसपास रहेगी ड्यूरेशन ऑफ दीज बैचेस। आज के डाउट बाय अन अकेडमी, ए न्यू फीचर लॉन्च बाय द अन अकेडमी इन विच यू आज के नंबर ऑफ द डाउट्स और फॉर ए यूनिक डाउट यू विल गेट द वीडियो सॉल्यूशन एज वेल एज। अगस्त ऑफर फॉर द एसएससी हमारा जारी हो चुका है, जिसमें अन अकेडमी प्रॉमिस ऑफर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है, और वहीं 2 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको 6 मंथ और सीईटी प्रिपरेशन के लिए 1 ईयर के साथ में आपको 6 मंथ और 2 ईयर के साथ में आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। एसएससी एज यूजुअल आपको पता है हर संडे को अन अकेडमी कॉम्बैक्ट की तरफ से स्कॉलरशिप पूल एग्जाम होता है एवरी संडे एट 12 PM, और 22 अगस्त को एक मेगा कॉम्बैक्ट होने जा रहा है अन अकेडमी की तरफ से, जिसमें क्या है टॉप 1000 प्लस रैंकर्स को क्या मिलेगा, टॉप 1000 प्लस को अन अकेडमी की तरफ से एक्साइटिंग ऑफर्स
प्राइज मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट रैंकर को एप्पल आईपैड मिनी, सेकंड को एप्पल के एयरपॉड, थर्ड को JBL के स्पीकर और रेस्ट ऑफ द को अमेज़न की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनरोल करने के लिए खाली आपको एक कोड यूज करना है, इनवाइट कोड, जो कि यहाँ पे लिख रखा है कॉर्नर में Deven10, जो कि मेरी फीड के पीछे आ चुका है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Deven10। इसकी हेल्प से आप इनरोल कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। SSC JEE एंड द स्टेट AE एग्जाम्स के लिए हमारी न्यू कैटेगरी लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर हमारे कुछ प्लान्स कुछ इस प्रकार से रहेंगे, साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। इनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना होगा Deven10 टू गेट 10% एडिशनल ऑफ। स्टेट JEE एंड स्टेट XIE के लिए संकल्प बैच फॉर द SSC JEE, संकल्प बैच फॉर द SSC सिविल, संकल्प बैच फॉर द SSC JEE इलेक्ट्रिकल्स के लिए अलग अलग ब्रांचेस के लिए 4th अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और आपको यूज करना है, और Deven10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% एडिशनल ऑफ मिलेगा। ओके, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। आज का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से रहेगा। दोपहर 2 बजे वाईफाई स्टडी के लिए प्रिपरेशन बूस्टर कैप्सूल फॉर द RSM SSB JEE, और 3:35 पे 3:35 पे हमारा वाईफाई स्टडी के 2.0 पे डिस्कस अबाउट द NWDA एग्जाम, जो अभी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत कोई लंबा चौड़ा सेशन नहीं, आधे घंटे का सेशन होने वाला है। फिर शाम को 5:35 पे हम वाईफाई स्टडी पे लाइव ट्वीट करेंगे फॉर DFCCIL के लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे आ चुका है और आपको आंसर देना स्टार्ट कीजिए। A foundation in a building is provided no to increase the bearing capacity, load the bearing of the subsoil at a uniform rate, distribute the load over the larger area, increase the overall stability of the structures. चलो आंसर देना शुरू कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। ओके, दीपक के अलावा चलो। ओके, फर्स्ट का ए इज द करेक्ट आंसर, अपने पास फर्स्ट का ए इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फाउंडेशन अपने पास बिल्डिंग के अंदर नहीं प्रोवाइड की जाती। फाउंडेशन का काम क्या है? एक तो जो भी अपने पास लोड आ रहा है, जितने भी एज यूजुअल मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे के सारे क्या है, लोड ट्रांसफॉर्मिंग मेंबर है, ओनली सॉइल इज द लोड बियरिंग मेंबर, ठीक है, चाहे बीम हो या कॉलम हो या फाउंडेशन हो। तो अपने पास क्या है, स्लैब्स का लोड बीम्स में आया, बीम से कॉलम के आया, कॉलम के थ्रू फाउंडेशन में आया, और फाउंडेशन के थ्रू क्या हो गया, सॉइल के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो अपने पास क्या हुआ कि फाउंडेशन इन ए बिल्डिंग प्रोवाइडेड नॉट इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है कि अपने पास बेयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करना होता है, कि बेयरिंग लोड को ट्रांसफर करने का ये काम करता है। लोड बेयरिंग सरफेस सबसॉइल एट द यूनिफॉर्म रेट पे लोड बियर करता है, जो भी अपने पास सबसॉइल्स होगा ऊपर से जो भी अपने पास लोड आ रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। डिस्ट्रीब्यूट द ओवर द, अब देखो कॉलम से क्या आया था, एक एज ए सिंगल पॉइंट लोड की तरह ही है ना, क्योंकि पॉइंट कॉलम का क्या होता है, सेक्शन छोटा था, और फिर फाउंडेशन में उसने लार्ज एरिया पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, और जिससे हुआ कि इंक्रीज द ओवरऑल स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन ऑल थ्री आर द स्टेटमेंट आर ट्रू, बट ए इज द इनकरेक्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉजेस of failure of the foundation of building are unequal settlement of the soil, withdrawal of a subsoil moisture, lateral escape of the supporting material, या all of the above। ये कह रहा है कि अपने पास किसी भी बिल्डिंग के फाउंडेशन फेल होने के चांसेस क्या हो सकता है, कि एक तो अनइक्वल सेटलमेंट हो गया, कि एक तरफ से ज्यादा हो गया एक तरफ से कम हो गया, जिससे स्ट्रक्चर क्या होगी, रोटेट होके गिर गई, एक तो ये हो सकता है। विड्रॉल ओवर ऑफ द सबसॉइल मॉइस्चर, सबसॉइल मॉइस्चर की वजह से अपने पास कि मॉइस्चर निकल गया तो वो क्या है, उस स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या आ गया, सेटलमेंट आ गया, या कोई भी सपोर्टिंग मटेरियल था वो वहां से हट गया तो स्ट्रक्चर आपकी क्या आ गई, गिर गई। गुड मॉर्निंग। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोड ऑफ इक्विपमेंट एंड द फर्नीचर कैप्ट इन बिल्डिंग इज टर्म्ड एज डेड लोड, लाइव लोड, डिजाइन लोड, या ऑल आर द रॉन्ग।
Okay, good morning. जल्दी क्वेश्चन नंबर थ्री का, दीपक कह रहा बी। ओके रश्मि कह रही है डेड लोड। ओके और कोई, शेर सिंह क्या कह रहा है? एंग्री नेशनलिस्ट क्या कह रहा है? ओके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लाइव लोड। जो भी अपने पास, देखो डेड लोड किस चीज का होता है, डेड लोड हो गया जैसे अपने पास, जो अपने पास परमानेंटली रहे, परमानेंट लोड, जैसे लाइक अपने पास स्लैब का सेल्फ वेट हो गया, सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब, ठीक है, जो वहां पे परमानेंट रहे, फर्नीचर हो गया, कोई भी इक्विपमेंट हुआ, आज यहाँ पे कल उठा के अपन दूसरी जगह रख देंगे, तो ऑप्शन क्या हो गया, लाइव लोड। जो भी अपने पास मूवेबल लोड होते हैं वो सारे कंसीडर एज द लाइव लोड कंसीडर किए जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाइल द कैलकुलेटिंग द डेड लोड ऑफ बिल्डिंग द वेट ऑफ ब्रिक मेसनरी इज टेकन एज। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर कीजिए। ओके शेर सिंह कह रहा है फोर का ए, और दीपक कह रहा है फोर का सी, रश्मि कह रही है फोर का, तो अपने पास फोर का सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें डेड लोड ऑफ ब्रिक ऑफ द मेसनरी का, अगर बात करेंगे हम कितना लेके चलेंगे, 1920 केजी पर मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी इज दैट ऑफ द हार्ड रॉक ब्लैक बॉटम सॉइल, ड्राई कोर सैंडी सॉइल या फाइन सैंडी सॉइल। एक है ना थोड़ा सा, एक इस हिसाब से देख लेना चाहिए था ये क्वेश्चन, 1 मीटर क्यूबिक के अंदर बात करें तो 1 मीटर क्यूबिक के अप्रोक्सीमेट अपने पास 1000+ ब्रिक्स आती है, ठीक है, सॉरी 500 के आसपास आती है, तो एक ब्रिक का वेट जनरली 3.5 केजी होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 19 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना, उस तरीके से भी देख लेना। ओके हार्ड रॉक इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी किसी होगी, किसकी होगी, हार्ड रॉक की, दैट्स द करेक्ट आंसर, 5 का A is the correct answer. Next question. The least bearing capacity of the soil is that of the hard rock, moist clay, soft clay, or laminated rock. सिक्स का मोस्ट क्ले इज द करेक्ट आंसर, सिक्स का बी इज द करेक्ट आंसर। देखो हार्ड रॉक तो क्या हो गया, सबसे हार्ड सरफेस हो गया, सॉफ्ट रॉक क्या होगा, मोस्ट क्ले के कंपैरिजन क्या होगा, एज कंपेयर इट शुड बी एट द लार्जर लोड एज कंपेयर टू मोस्ट कंपेयर के कंपैरिजन, ये सॉफ्ट क्ले है क्या, ज्यादा लोड को बियर करेगा, मोर लोड को बियर करेगा या, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अवस्थी जी वेरी गुड मॉर्निंग। Next, in the case of the foundation on the black cotton soil, the most suitable method to improve the bearing capacity of the soil is by increasing the depth, draining the soil, replacing the poor soil, compacting the soil.
वो अपने पास सेंट की ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि उसको मैकेनिकली अपन बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द कॉम्पैक्शन, ठीक है। और जो हार्ड रॉक होता है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, ठीक है, डेंस मटेरियल हो गया ना, और अपन को सॉइल को डेंस करना पड़ रहा है, ठीक है। एक अपने पास ब्रिक की स्ट्रेंथ देख, और वहीं पे अपन उसकी देखें कि 7 का C इज द करेक्ट आंसर, रिप्लेसिंग द, कि अपने पास ब्लैक एटम सॉइल है तो उसको मेथड बेयरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करना है, तो सॉइल को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास एक रॉक की अपने पास देखे तो उसकी 1000+ में अपने पास मेगा पास्कल में अपने पास या 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर आपकी उसकी होती है स्ट्रेंथ होती है। वहीं ब्रिक की कितनी, 7.5 10.5 लेके चलते हैं फर्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो जितना उसको हार्ड बनाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। अवस्थी जी, तुम्हारे पास अगर NWDA वाले कुछ क्वेश्चंस याद हो तो आप मुझे अन अकेडमी के लर्नर ऐप पे मैसेज कर दीजिएगा। 8 का A इज द करेक्ट आंसर। वाटर लॉग सॉइल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कि ड्रेनिंग द सॉइल्स को ड्रेन ऑफ करके, ड्रेन आउट करके वाटर को उसकी बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन ऑन ए क्ले सॉइल इज 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का 9 का A इज द करेक्ट आंसर, कि अपने पास अगर जनरली देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर ही होती है। अपने पास यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन का अगर आपसे कोई पूछे कि अपने पास कितनी लेके चलते हैं, तो सैंडी सॉइल के लिए अपने पास, सैंडी सॉइल के लिए, ठीक है, सैंडी सॉइल्स के लिए अपने पास कितनी लेके चलते हैं, सैंडी सॉइल्स के लिए होते हैं 82 100 सेंटीमीटर कह रहा हूं, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें क्ले सॉइल के लिए, क्ले सॉइल के लिए अपन 92 160 सेंटीमीटर ये मैक्सिमम की है, और रॉकी के लिए अपने पास 5 to 60 50 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिलो द ग्राउंड लेवल इज, सॉरी यहां पे फिर क्या हो जाएगा, अगर क्ले सॉइल का पूछ रहा है तो 90 हो जाएगा ना। ऑप्शन यहां पे मैंने गलत मार्क कर दिया है, ऑप्शन इसका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, 9 का B इज द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्ले का 90 मिनिमम और मैक्सिमम 160 सेंटी का मिनिमम 80 और मैक्सिमम 100, तो अपने पास बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 10 का आंसर कीजिए। मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन बिलो द ग्राउंड लेवल, मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन बिलो द ग्राउंड लेवल, चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। रश्मि कह रही है 10 का D विच इज द रॉन्ग आंसर, कि अगर अपन क्या करें मिनिमम फाउंडेशन की बात करें तो मिनिमम अपने पास क्या होती है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर होती है इन द केस ऑफ दी, अपने पास अगर हम बात करें क्या नाम रॉकी सॉइल के केस के अंदर अपने पास मिनिमम अपने पास
कितना 150 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अगर डेप्थ ऑफ दी फाउंडेशन निकालना है तो क्या निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, डी एफ अपॉन में ठीक है क्यू अपॉन में एफ, क्या एफ क्या है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दी सॉइल, और एफ क्या है वन माइनस में साइन फाइव अपॉन में वन प्लस में साइन फाइव की पावर हॉर्स के ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The type of the bond provided in brick carrying the load is known as English bond, Flemish bond, garden bond, zigzag bond. ये bonds वगैरह याद रखना बहुत important है। RSM, SSB में इस chapter से जो इन questions कर रहे हैं ना अपन, ये कल और करेंगे ठीक है, कल या परसों दो दिन और करेंगे ठीक है। तो इन questions में ये मान के चलना दो से तीन question आपको 101% as it is मिलेंगे, डिटो के डिटो। सर एसएससी जेई प्री कब होगा, ये तो भाई एसएससी वाले ही जाने, अभी तक तो उन्होंने मेंस की डेट दी है शायद सितंबर की। 11 का ए इंग्लिश बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक सिंगल रो हेडर हेडर का और फिर स्ट्रेचर स्ट्रेचर का, इस हिसाब से चलता है ना। ठीक है, हेडर स्ट्रेचर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम लोड विच कैन कॉजेस द फेलियर ऑफ फाउंडेशन इज कॉल्ड नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, अल्टीमेट बेयरिंग पावर ऑफ द सॉइल, या नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा आंसर फर्स्ट दीजिए, अवस्थी जी कह रहे हैं डी, क्या बात कर रही है। अपने पास मिनिमम लोड विच कैन, जो मिनिमम लोड होता है जिस पे जाके अपने पास फेल हो जाए वो क्या कहलाती है, अपने पास अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल या अल्टीमेट बियरिंग पावर ऑफ द सॉइल। कि अगर आपको, अगर मैं एक सिंपल सी फंडा बात बता दूं, आपका मैक्सिमम लोड अगर आप 50 kg तक लोड उठा सकते हो ठीक है, जैसे ही मैंने क्या किया 51 कर दिया तो आप वो लोड को क्या करोगे, गिरा दोगे। ठीक है, तो अपने लोड को देने का ये जनरल पूछ रहा है, इसमें अपने पास किसी फाउंडेशन का अगर अपन कोई किसी भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, जो मैक्सिमम उसकी क्या होगी बियरिंग लोड कैपेसिटी होगी वही क्या होगी, मिनिमम उसकी लोड फेलियर कंडीशन होगी। कि अपने पास जैसे आपकी 50 kg का लोड बियर करने की कैपेसिटी थी, जैसे ही मैंने 51 कर दिया आपने क्या कर दिया, उस लोड को क्या कर दिया, गिरा दी ठीक है। तो क्या हो गया, 51 क्या आ गया, आपकी फेलियर कंडीशन होगी। या आपको ऐसे बोल सकते हैं कि 50 के बाद में जस्ट एक पॉइंट अब हो जाते ही आप क्या कर दोगे, फेल कर दोगे, तो आपकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या होगी, 50 होगी ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाइल फाइंडिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बाय बियरिंग प्लेट मेथड, द साइज ऑफ स्टील प्लेट यूज इज ग्रेवली एंड द डेंस सॉइल शुड बी 1 × 1 m, 60 × 60 cm, 30 × 30 cm या 90 × 90 cm। करंट अफेयर तो क्या है, देखते रहा करो ठीक है। सुबह सुबह अंकित अवस्थी सर करवाते हैं, भुवनेश सर भी करवाते हैं ठीक है, किन्हीं का भी देख लो, बहुत अच्छे वाला एनालिसिस करवाते हैं ठीक है, वो देख लिया करो। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर आता ही है और उनके अंदर बहुत लंबा जोड़ा समय नहीं लगता है। सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने जैसा है कि वो शायद द हिंदू का एनालिसिस करवाते हैं शायद। नौ,
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि अपने पास जो बियरिंग प्लेट्स होती है उसका साइज रहता है 30 सेंटीमीटर टू अपने पास 75 सेंटीमीटर के, ठीक है। और ये किस पे डिपेंडिंग रहती है, एक तो अपने पास रहती है लोडिंग कंडीशंस पे, लोडिंग रिएक्शंस पे, और अपने पास किस पे रहती है, ग्रेन साइज के ऊपर, ग्रेन साइज पे। नेक्स्ट, द अलाइनमेंट ऑफ ए क्रॉस जॉइंट अलोंग अलोंग द प्लम्ब लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, लिंटल, प्रीपेंड या बेड ब्लॉक। Prepend is the correct answer कि a imaginary vertical line which joins the vertical joints, कि अपने पास prepends कैसे होती है ये देख लो, कि ये आपके पास कोई brick work कर रखा है, ठीक है। तो ये अपने पास इमेजिनरी लाइंस होगी जो इन वर्टिकल जॉइंट्स को ज्वाइन करवा रही है, ये क्या कहलाएगी अपने पास, प्रीपेंड कहलाएगी, परपेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक इज स्पेशल शेप यूज इन ब्रिक मैसनरी इज कॉल्ड बैक स्किन क्लोजर टेम्पलेट। अगर कोई स्पेशल शेप की ब्रिक यूज की जाती है ब्रिक मैसनरी के अंदर तो वो क्या कहलाती है, बैट कहलाती है, स्किन कहलाती है, क्लोजर कहलाती है या टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 15 का शेर सिंह कह रहे बी और रश्मि कह रही है सी, और बी इज द करेक्ट आंसर। स्किंट अपने पास जैसे बिटर स्किंट होगी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस शेप ऑफ द ब्रिक्स के अंदर अपने पास उनको कहते हैं, चाहे बुल नोज हो गया, चाहे सिंगल बुल नोज, डबल नोज हो गया, ये क्या है, डिफरेंट स्पेशल शेप ऑफ द ब्रिक है, दिस कॉल्ड द स्किंट्स। अपने पास क्लोजर्स क्या है कि अपने पास किसी जॉइंट्स को क्लोज करने के लिए जो अपने पार्ट्स ऑफ द ब्रिक्स यूज करते हैं, दिस कॉल्ड द बैट, सॉरी क्लोजर्स, क्लोजर्स आर द बैट, थ्री फोर्थ बैट, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, ऑल आर दीज आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हर्टिंग द थिक बॉल द ब्रिक इज यूज हेडर, स्ट्रेचर, बैट, क्वीन क्लोजर। याद रखा करो रश्मि, क्या कर रही हो, तुम्हारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी क्या, तो यहाँ पे अपने पास ऐसे प्रोवाइड करवा के, तो अपने पास यहां से जब आप देखोगे तो इनको आपको क्या दिखाई देगा, हेडर दिखाई देगा। सर जी HPCL का एग्जाम 11 अगस्त को है, ठीक है, सिलेबस भेज देना, देख लेते हैं।
एन एक्सटर्नल कॉर्नर, जो नई चीज होगी वो पढ़ा देंगे, जो पढ़ा रखी है वो तो आप लोग पढ़ लेना। एन एक्सटर्नल कॉर्नर इन ब्रिक मैसनरी इज कॉल्ड क्वींस जंप, स्लीपर वॉल या पैरापेट। देखो इन दोनों एग्जाम्स के अंदर है ना डिफरेंस को बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, और अगर देखा जाए अपने पास तो जो जल्दी हो सके उसकी तरफ फोकस करना। क्विंस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि अपने पास ये जो कॉर्नर होता है ना बाहर का कॉर्नर जिसे अपन एक्सटर्नल कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये वाला कॉर्नर, ये क्या कहलाता है, क्विंस कहलाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ वॉल एट द साइड ऑफ ओपनिंग इन द मैसनरी इज कॉल्ड क्विंस जंप, स्लीपर वॉल या पैरापेट। क्या समझ गया शशि? इलेवन का डी, द पार्ट ऑफ वॉल साइड, अगर अपने पास ये वॉल है ठीक है, ये वॉल है, थोड़ी दीवारें सीधी नहीं आ रही है हाथ की वजह से, तो अपने पास ये वाला हिस्सा होता है ना, द पार्ट ऑफ वॉल एट द ओपनिंग, द पार्ट ऑफ द वॉल ऑन ओपनिंग इन द मैसनरी, तो ये क्या कहलाता है अपने पास, जम कहलाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सपेंशन जॉइंट इन मैसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ मोर देन 10 मीटर, 20 मीटर, 300, 30 मीटर या 40 मीटर। वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करो। नाइनटीन का डी इज द करेक्ट आंसर, 40 मीटर या 45 मीटर। ओके, द नॉमिनल थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिक वॉल मस्ट बी मोर देन 10 mm, 30 mm, 20 mm, 40 mm। एक्चुअल में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का आंसर करो। रंजन दाल देहल कह रहा है 40 mm, अंगिता कह रही है 10 mm, और कोई अपने अपने और कोई मत देना चाहेगा, रश्मि कह रही है 30 mm, एक जना और दे दो, ऑप्शन बी के साथ में चले जाओ ताकि चारों ऑप्शन आ जाएंगे, और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर मिनिमम अपने पास नॉमिनल थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट रखी जाए तो 20 mm इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग मोर्टार जॉइंट बाय कंप्लीशन ऑफ मैसनरी वॉल इज कॉल्ड टूथिंग, पॉइंटिंग, रैकिंग बैक या जॉइंटिंग। 21 का आंसर करो। देखो ये क्या कह रहा है कि आप अगर आप लोगों ने ऐसे कोई मैसनरी वर्क किया, कंस्ट्रक्शंस की, ठीक है, ये आपने क्या किया, वॉल्स बनाई,
तो अपने पास इन जॉइंट्स के अंदर अपन क्या करते हैं, इन जॉइंट्स की फिनिशिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोई एक्सटर्नल मोटर भर के, उस चीज को क्या कहते हैं अपन, पॉइंटिंग कहते हैं। जैसे ये यहाँ से येलो कलर से मैं कर रहा हूँ ना, इन जॉइंट्स को फिल कर दिया, तो ये क्या कहलाए अपने पास, पॉइंटिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। द ब्रिक अरेंजमेंट सिस्टमेटिकल एंड द बेडेड टूगेदर इन मोर्टार टू फॉर्म होमोजीनियस मास कैपेबल टू विदस्टैंड और ट्रांसमिटिंग द फोर्सेज इज नोन एज इंग्लिश बॉन्ड, फ्लैमिश बॉन्ड, ब्रिक मैसनरी या कंपोजिट मैसनरी। 22 का चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 का इंग्लिश। दादा क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझो कि अगर किसी सिस्टमेटिकल तरीके से अपन ब्रिक्स को ज्वाइन कर दें और मोर्टार से एक होमोजीनियस मास कर दें जो कि अपने पास डिफरेंट कंडीशंस के अंदर विदस्टैंड कर सके और फोर्सेस को ट्रांसफर कर सके, दैट्स द ब्रिक मैसनरी इज द करेक्ट आंसर। रश्मि गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई ब्रिक्स आर रिकमेंडेड इन द ब्रिक मैसनरी व्हेन द मोर्टार इज यूज्ड, मड मोर्टार, सीमेंट मोर्टार, लाइम मोर्टार, लाइम सीमेंट मोर्टार। अगर अपने पास ड्राई ब्रिक्स कब रिकमेंडेड की जाती है, अदरवाइज हमेशा क्या होगा, हाँ बिल्कुल ब्रिक मैसनरी होगा और हमने भी वही किया है, ऑप्शन सी ही किया है। ठीक है, तो अपने पास ड्राई ब्रिक्स को कब यूज कर सकते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं अपन, क्योरिंग करते हैं ब्रिक्स की पहले। क्यों करते हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर का जो भी अपने पास जॉइंटिंग मटेरियल लेके चलते हैं, कि अपने पास जॉइंटिंग मटेरियल कौन सा हो गया, चाहे मोर्टार लेके चलते हैं, मोर्टार हो गया या सीमेंट मोर्टार जो भी हो गया, इनके अंदर अपन क्या करते हैं कि ये अपने पास सॉल्ट क्या सॉरी ब्रिक है, इनमें से मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब ना करे, इसलिए उनको पहले से क्या कर दिया जाता है, उसको क्योर किया जाता है। तो मड मोर्टार का अंदर अपन पास डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यूज बाय मेसन इन लाइंग ऑफ द ब्रिक्स व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ए वॉल इज कॉल्ड ब्रिक हैमर, ट्रोवेल, स्प्लिट लेवल या लाइन एंड द पिंस। 7 ऑनलाइन आंसर दो कर रहे हैं, 9 ऑनलाइन है आंसर। आंसर रश्मि, शेर सिंह, अंकिता, 3 लोगों की दिखाई जा रहा है, ये जनरली रहता है। इंजीनियर्स लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों ने गलत दे दिया तो आंसर बेइज्जती होगी, तो वो लोग ये नहीं समझते कि इंजीनियर हुआ, सन्यासी हुआ, राजनेता हुआ, स्टूडेंट हुआ, इनकी कभी कोई इज्जत होती नहीं, ठीक है, तो उस चीज से घबराना चाहिए भी नहीं। 25 का बी, 24 का बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रोवल इज द करेक्ट आंसर। ओके, ट्रोवल इज द करेक्ट आंसर, 24 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग मेड इन ब्रिक आर रिड्यूस द वेट ऑफ द ब्रिक टू फॉर्म ए की फ्रॉम द होल्डिंग मोर्टार टू इंडिकेट ईयर एंड द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू इंडिकेट द टॉप ऑफ द ब्रिक्स। जितने ज्यादा गलती करोगे ना उतना ही जल्दी सीखोगे, कि एक बार अपन गलत कर देते हैं ना तो फिर उसके बाद में उसके पीछे का लॉजिक देखना पड़ता है अपन को, ये गलत क्यों हुआ, और वो देखते ही वो क्वेश्चन फिर वापस में दोबारा भी कभी भी गलत नहीं होता। 25 का बी इज द करेक्ट आंसर, टू फॉर्म द की होल्डिंग, की अपने पास ये जो अपने पास ब्रिक्स होती है हमेशा क्या रहेगा, फ्रॉग क्या रहेगा अपर साइड के अंदर, कि यहाँ पे इसमें मोर्टार भर दिया जाए जिससे क्या हो एडजस्टेंट ब्रिक्स के साथ में ये बॉन्ड बना सके, की बना सके। ओके, नेक्स्ट, द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द डोर फ्रेम आर वुड, स्टील, एल्युमिनियम या ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने कभी भी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा अभी, हाँ बेइज्जती होगी, कोई बात नहीं, बेइज्जती तो होगी,
जो आपके पास में बैठे हैं उनकी कौन सी इज्जत है? चलो दो आंसर, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आंसर दिया करो। ये एक बार मैं लखनऊ पढ़ाने गया था, वहां पे देखा था, वहां के लड़के ऐसे नहीं, दो बिंदास हो गए आंसर, कुछ भी उनको आंसर पूछना है, बोलना है उनको, जय कुछ भी बोले, सही गलत डजेंट मैटर, नहीं ऐसे फालतू नहीं बोलते, जो भी रिलेटेड टॉपिक होता है उसके। 26 का ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। जनरली इन डब्ल्यू सी किचन बाथरूम आर द टाइप ऑफ द डोर यूज इन लेग्ड एंड द प्रेस टाइप, फ्लश टाइप, पार्टली ग्लेज एंड द पार्टली पैनल या फुली ग्लेज। क्या मिल गया? चलो आंसर करो नेक्स्ट क्वेश्चन का, 27 का, थोड़ा सा जल्दी कर दो। अभी 12:30 बजे वाली क्लास एज यूजुअल अपनी अन अकेडमी लर्नर ऐप पे रहेगी, जिसमें आरएसएम एसएसरी वाला वो जो अपना चल रहा है रेगुलरली, आज मिक्स सेट रहेगा, कल से आपको बता दिया जाएगा कौन से सब्जेक्ट्स की और कौन से क्वेश्चंस रहेंगे। फ्लश डोर इज द करेक्ट आंसर। 27 का बी इज द करेक्ट आंसर, फ्लश डोर इज द करेक्ट आंसर। अब पार्टली ग्लेज और पार्टली पैनल क्या है कि इसमें कुछ जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं ना, पार्टली ग्लेज और ऊपर का नीचे का हिस्सा दिखा, मतलब ट्रांसपेरेंट ना हो ऊपर का हो, तो इस चीज को अवॉइड, जनरली यूज करने को तो ये सारे के सारे ही यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल क्या होगा, फ्लश टाइप। फ्लश टाइप का क्या रहता है कि ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ठीक है, तो डब्ल्यू सी और किचन वगैरह ये डायरेक्टली एक्सपोज ना हो, जैसे ही आपने अंदर गए ये अपने बाहर आए, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बंद हो गया, इसलिए ऑप्शन बी के साथ। यस, जनरली द थिकनेस ऑफ द रेल एंड द स्टाइल अडॉप्टेड इन द डोर फ्रेम इज 3 to 4 cm, 2 to 3 cm, 5 to 8 cm या 8 to 10 cm। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। रश्मि कह रही है सी ऑप्शन, 28 का। डी होगा, शेर सिंह कह रहा है सी होगा और आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि अपने पास थिकनेस ऑफ द रेल और स्टाइल अडॉप्टेड इन द डोर फ्रेम जनरली क्या होता है, 3 to 4 cm मिनिमम की बात चल रही है, मैक्सिमम अपने पास अलग रख सकते हैं, ठीक है, 10 cm बहुत ज्यादा हो जाता है मिनिमम, ऑप्शन डी तो किसी केस में नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम, ग्लास एरिया इन द विंडो शुड नॉट बी लेस देन 25%, 20%, 15% और 50%। देखा देखी तो बहुत चलती है ऑनलाइन, यूट्यूब पे, ऐप पे तो नहीं होता इतना। थर्टी का डी नहीं है कि एज कंपेयर टू फ्लोर एरिया द ग्लेज एरिया ऑफ द विंडो शुड नॉट बी लेस देन, कि अगर अपन पास ग्लेज विंडो लगा रहे हैं तो उसका एरिया 50% से, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि 15% से कम नहीं होना चाहिए, 50% बहुत ज्यादा हो जाता है। ए हॉरिजॉन्टल मेंबर फिक्स्ड इन द, फिर तो सारी तरफ विंडो विंडो रहेगी 50% ऑफ द फ्लोर एरिया के अंदर कंसिडर करना। A horizontal member fixed in the door and or window frame for the separation of the fan light is known as transom, threshold, mullion या sill।
31 का लोग कह रहे हैं सी, कुछ लोग कह रहे हैं डी, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 31 का ए इज द करेक्ट आंसर. देखो अब मैं आप लोगों को ना ये सारे बता देता हूं, एक बार सुन लेना कि ये आपका क्या है. कंबाइंड डोर एंड विंडो कंबाइंड आती है ना, ये आपका क्या हो गया कि ये आपका डोर हो गया, ठीक है. ये गेट आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि जिन लोगों ने बचपन में ये अपने पास ड्राइंग्स बनाई होगी उन लोगों को बहुत पता है कि ओपन डोर ऐसे ही रखा जाता है. तो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये सेपरेट आउट करने के लिए ये क्या कहलाता है, ट्रांसम कहलाता है. कि ये अपने पास जो भी अपने पास डोर और विंडो फ्रेम होगा जो सेपरेशन ऑफ द फैन लाइट्स को अलग कर रहा है, कि यहां से फैन लाइट्स वगैरह आने के लिए और यहां से एंट्री आने के लिए, तो यह कहलाता है ट्रांसम. थ्रेशोल्ड और सिल क्या होती है, दोनों सेम सी चीजें हैं. थ्रेशोल्ड अपने पास ये क्या कहलाती है, जो दहलीज होती है ना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सिल भी कहते हैं और अपने पास थ्रेशोल्ड भी कहते हैं. मुलिंस क्या होती है, कि जो दो डोर हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कवर करने के लिए इनके ऊपर एक स्ट्रिप लगाई जाती है. जैसे ये दो डोर हो गए, ये एक दूसरे के अंदर एंटर होने के बाद में यहाँ पे एक पट्टी लगी हुई होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है मुलिंग, ठीक है. चलो नेक्स्ट, द एयर कंडीशनल बिल्डिंग ए डोर हैज टू सर्व बोथ पर्पस फॉर ओपनिंग एंड द क्लोजिंग एंड द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ द डोर, स्विंगिंग डोर, स्लाइडिंग डोर, रोलिंग शटर या रिवॉल्विंग डोर. उल्टा बोल रहा है, थर्टी टू का डी रिवॉल्विंग डोर. देखो ये क्वेश्चन है ना, मैंने पहले भी करवाया था और उस दिन भी कंफ्यूजन थी, आज फिर वही बात आ गई कि आप लोगों के अन्य कुछ ने दिया है रिवॉल्विंग डोर, कुछ लोगों ने सबने रिवॉल्विंग डोर ही दिए, ठीक है. स्विंगिंग डोर, स्लाइडिंग डोर, रोलिंग शटर डोर. देखो रोलिंग शटर डोर तो आएगा नहीं, ऑप्शन सी तो होगा नहीं, ठीक है. इसके अलावा स्विंगिंग डोर भी हो सकता है, स्लाइडिंग डोर भी हो सकता है, रिवॉल्विंग डोर भी हो सकता है, ठीक है. अब देखो स्विंगिंग डोर, स्लाइडिंग डोर तो क्या होते हैं, जो ऑटोमेटिक आप लोगों ने देखा होगा, कोई राजस्थान का रहने वाला है WTP में लगा हुआ ना, जैसे आप उसके सामने जाते हो वो पीछे हट जाते हैं और जैसे हटते हो वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं, वो तो होते हैं स्लाइडिंग डोर, ठीक है. रिवॉल्विंग डोर्स क्या होते हैं, कि अपने पास रिवॉल्विंग डोर्स क्या होता है, ऐसा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, ऐसी सिलेंड्रिकल थोड़ी सी शेप होगी, ठीक है, और ऐसा कि यहां से आपने एंट्री की और ये रिवॉल्व होके अपने पास आपको अंदर ले जाएगा, तो ये पूरा पैक रहता है, ठीक है. और फिर उसके बाद में आता है स्विंगिंग डोर. स्विंगिंग डोर्स में क्या है कि अपने पास ये डोर है, जैसे आप लोगों ने एंट्री ली तो ऐसे स्विंग हो गया कि ये, ठीक है, तो इस टाइप्स का मोस्ट सुटेबल रिवॉल्विंग, ये रिवॉल्विंग होगा सर जी. तो ओके, अंकिता कह रही है स्विंगिंग होगा, ठीक है. तो मोस्ट सुटेबल मेरे अकॉर्डिंग स्विंगिंग डोर होना चाहिए, ठीक है. मैं ऑप्शन ए के साथ में जाऊंगा और बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है. स्लाइडिंग डोर भी हो सकता है मोस्ट सुटेबल, लेकिन क्या होता है कि रिवॉल्विंग और स्विंगिंग के ज्यादा चांसेस इसलिए है कि स्विंगिंग डोर क्या होता है, थोड़ा रिवॉल्विंग डोर के कंपैरिजन थोड़ा सा चीपर होता है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं स्विंगिंग डोर के साथ में जा रहा हूं. और दोनों के अंदर क्या है कि अपने पास एयर सर्कुलेशन क्या है, मतलब ऐसे ओपन एरिया नहीं छोड़ता, दोनों के दोनों ही डोर क्या है, ओपन एरिया नहीं छोड़ते फॉर द एंट्रिंग ऑफ द वार्म एयर्स के लिए, ठीक है. और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्विंगिंग डोर इज द करेक्ट आंसर, वैसे देखा जाए तो रिवॉल्विंग डोर इज आल्सो करेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल मेंबर फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ द फ्रेम इज कॉल्ड ट्रांसम, सिल, रेल, थ्रेशोल्ड. क्वेश्चन नंबर 33 का
फ्रेम का पूछ रहा है रश्मि, रेल अपने पास डोर के अंदर होती है, टॉप रेल, बॉटम रेल और लॉक रेल, तीन टाइप्स की रेल होती है अपने पास, डोर के अंदर होती है, ठीक है। और सिल इज द करेक्ट आंसर, सिल इज द करेक्ट आंसर, कि अगर थ्रेशोल्ड इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अपने पास ये वाला हिस्सा होता है ना अपने पास फ्रेम का, ये अपने पास क्या कहलाते हैं, जनरली सिल कहलाते हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें, ये अपने पास डोर है, सिंगल फ्रेम डोर है, तो इसके अंदर आपने ऐसा कुछ बना हुआ डोर है, ठीक है, ये आपका डोर है, तो ये क्या होगी, आपकी टॉप रेल होगी, ये आपकी बॉटम रेल होगी, और ये आपकी जहां पे अपने पास हैंडल लगता है दरवाजे का, लॉक रेल, इसे लॉक रेल कहते हैं, ठीक है, मिडल वाली को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लास यूज इन द विंडो विच ऑब्स्क्योर डायरेक्टली विजन बट डज नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट लाइट इज नोन एज ऑब्स्क्योर ग्लास, फिगर्ड ग्लास या रफ कास्ट ग्लास या ऑल ऑफ द अबव। वो डोर का होता है, यहां क्वेश्चन फ्रेम की बात चल रही है, इसलिए अपने पास सिल इज द करेक्ट आंसर। नहीं बोला अपने पास ये क्वेश्चन वहां पे यूज ही नहीं हुआ हुआ, आपने पास ऐप के अंदर ये क्वेश्चन कभी करवाया हुआ नहीं, यूट्यूब पे पहले एक बार यूज किया है मैंने इस क्वेश्चन को। ओके, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ ऑफ ए बिल्डिंग इज कॉल्ड डॉर्मर विंडो, क्ले स्टोरी विंडो, बे विंडो या स्काईलाइट विंडो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 का। ए डॉर्मर विंडो इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, इन स्टेयर केस ड्रेज इन द प्रोडक्ट राइज गोइंग इज अप्रोक्सीमेटली, इन द स्टेयर केस डिजाइन द प्रोडक्ट राइज गोइंग इज अप्रोक्सीमेटली, कि राइज या गोइंग या राइजर या ट्रेंड का जो प्रोडक्ट आता है अपने पास जनरली कितना आता है। थर्टी सिक्स का बताओ अंकिता, 100% अच्छा 35 का 100% ए बता रही थी, विच इज द करेक्ट आंसर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का बी इज द करेक्ट आंसर, कि अपने पास जनरली क्या होता है कि अपने पास जो राइजर लेके चलने हैं अपने पास वो 12 से 15 सेंटीमीटर अपने पास जनरल रहता है, और ट्रेंड अपने पास यही रहता है 25 to 30 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट अपने पास अप्रोक्सीमेटली 420। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इफ द हाइट बिटवीन द फ्लोर इज 3.65 मीटर एंड ट्रेड इज द 40 सेंटीमीटर द नंबर ऑफ राइजर विल बी। आशा करता हूं सब लोग इसका आंसर गलत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का, रश्मि कह रही है ऑप्शन सी 37 का। अंकिता कह रही है ऑप्शन सी, देखा देखी इसकी चल रही है, नहीं देखा देखी तो नहीं चल रही। चलो ठीक है, देखो अपने पास क्या होता है कि अपने पास थ्री पॉइंट, अपने पास हाइट कितनी गिवन है 3.64 मीटर गिवन है, ट्रेड अपने पास 14 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो ट्रेड इज इक्वल टू अपने पास नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने आ जाएंगे
364/14 विच इज इक्वल टू अपने पास 26 आ जाएगी। अगर मैं बात करूं ट्रेड इज इक्वल टू क्या होता है, राइजर माइनस में वन, तो यहाँ पे अपने पास राइजर निकालना है, राइजर निकालना है तो अपने पास ट्रेड प्लस में क्या आ जाएगा, ट्रेड प्लस में वन विच इज, तो 26 प्लस में वन इज इक्वल टू 27 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया है, जो गुप्ता एंड गुप्ता का राइजर की जगह ट्रेड कर दिया और ट्रेड की जगह राइजर कर दिया, बस अल्टरनेटली इतना चेंज करते ही क्वेश्चन का आंसर। अगर वो राइजर पूछता, ठीक है राइजर पूछता, अगर अपने पास वो ट्रेड पूछता तो 25 हो जाते और अगर राइजर पूछता है तो 27 हो जाएंगे। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन नए अंदाज में है, क्योंकि ट्रेड और राइजर को मैंने गलत चेंज कर दिया है और आप लोगों ने वो पीछे वाला ऑप्शन चिपका दिया है। मेरे को ये पता था इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के ट्रेड की जगह राइजर, राइजर की जगह ट्रेड कर दिया, बाकी कुछ नहीं चेंज है इस क्वेश्चन के अंदर, एज इट इज है, ऑप्शंस का सीरियल भी चेंज नहीं। ओके चलो, द एंगुलर स्टेप फॉर द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द स्टेयर आर नोन एज रेडियल स्टेप, एंगल स्टेप, राउंड स्टेप या वाइंडर। मुझे पता है ना कौन कौन रट्टे लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं कि उनको ऑप्शन दे दो वो क्वेश्चन बना देंगे। Landing is the correct answer. Landing is the correct answer. Option D is the correct answer. In public building, the minimum tread width should be 150 mm, 200 mm, 300 mm या 400 mm. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, दिस इज द शेड्यूल फॉर द टुडे। आज सुपर फ्राइडे की तरफ से आज 2:05 पे वाईफाई स्टडी प्रिपरेशन बूस्टर कैप्सूल फॉर द आरएसएमएसएस भी जेई का रहेगा। शाम को अपने पास 3:35 पर 3:35 पे वाईफाई स्टडी 2 पे डिस्कशन अबाउट द एनडब्ल्यूडी एग्जाम हेल्ड ऑन द 1st August 2021 के लिए रहेगा। ठीक है, और वहीं पे 5:35 पे अपने पास लाइव क्विज फॉर द DFCCIL रहेगी। ठीक है, ओके, तो ये और अभी 12:30 अपना शेड्यूल एज यूजुअल आपको पता है, अपने पास ऐप वाला तो है ही। ठीक है, अगर आप लोगों के पास NWDA के कुछ क्वेश्चंस याद हैं तो आप मुझे किसी भी मोड के थ्रू आप मुझे सेंड कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्नर ऐप पे भी सेंड कर सकते हैं, या कोई आपके पास दूसरा मॉडेम हो जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेरे से कॉन्टेक्टेड हो तो आप लोग मुझे, व्हाट ए बिजी डे ड्यूड, चलो काफी दिन हो गए ना, तीन चार दिन से अपन मस्त रह रहे जा रहा। हाँ, वाईफाई स्टडी 2.0 पे तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस ऑन एट 2। हाँ, Don't forget to join us on Wi-Fi Study 2.0 at the 2 PM. Okay, thank you very much. Thank you guys for being with us. I hope you enjoy the session.
If you enjoy the session, please like and share and subscribe our Unacademy SSE the YouTube channel and press the bell icon for further notification. Use my referral code Devin10 to get 10% additional off on your next Unacademy Plus subscription. So thank you guys for being with us. I hope you enjoy the session. Kal fir milenge same time same jagah. Tab tak ke liye Jai Hind, Jai Bharat, Tata, bye bye.